सैदपुर तहसील क्षेत्र से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। क्षेत्राधिकारी राजीव द्विवेदी ने नवीन सब्जी मंडी का किया उद्घाटन। किसानों और व्यापारियों को मिली राहत। पंकज टॉकीज रोड स्थित नवीन सब्जी मंडी का फीता काटकर क्षेत्राधिकारी राजीव द्विवेदी ने किया। आपको बता दें कि यह सब्जी मंडी पूर्व में सैदपुर चंदौली को जोड़ने वाले अप्रोच मार्ग पर लगता था, जिससे हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती थी। साथ ही कुछ न कुछ सड़क दुर्घटना होती रहती थी। तभी मंडी समिति ने नए मंडी स्थल को चयनित कर उसका निर्माण कार्य किया गया, जिससे इन सभी समस्याओं से निजात मिल जाएगा। इन किसानों और सब्जी व्यापारियों काफी हर्ष का माहौल बना हुआ है। नए मंडी स्थल का हवन पूजन समाज सेवी कमलेश सोनकर के द्वारा कर उद्घाटन किया। समाज सेवी कमलेश सोनकर ने कहा कि नए सब्जी मंडी के बनने से जहां किसानों और दुकानदारों में हर्ष का लहर दौड़ गई, वही आमजन को जाम व अन्य समस्याओं से राहत मिलेगी। साथ ही सड़क किनारे सब्जी व्यापारियों को दुकान नहीं लगाना पड़ेगा। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी राजीव द्विवेदी, थाना प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र भूषण मौर्य, चौकी इंचार्ज वंश बहादुर सिंह, मंडी मालिक सबरू सोनकर, समाज सेवी कमलेश सोनकर, अरविंद सोनकर, पूर्व नगर अध्यक्ष शशि सोनकर, मोहम्मद अजहर नंदू सोनकर, पूर्व चेयरमैन हरिनाथ सोनकर, सुरेश सोनकर व अन्य किसान सब्जी व्यापारी उपस्थित रहे। मंडी किस स्थिति में है और बन के तैयार हो चुका है? ये देखिए, मंडी की सभी दुकानें बन के तैयार हो चुकी है और यहाँ पर कल से सब्जी बिकने शुरू हो जाएगा। और हमारे तमाम साथी व्यापारी, जो खुशी का माहौल है, आप क्या महसूस कर रहे हैं व्यापारी लोग? इसे यहाँ कल बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया है। हम लोग के आराम है, यहाँ पर सुविधा मिल गई। हम लोग रोड पर मार खाते थे, यहाँ पर सब सुरक्षित हम रहेंगे। अच्छी अच्छी देखिए, यहाँ पर शासन से डर के बारे इतना डर पैदा हो गया है कि हम रोड पर मार खाते हैं और तरह तरह की घटनाएं हो सकती है, आए दिन घटना होती है। इसी क्रम में देखिए हमारे व्यापारी, आप यहाँ पर आने के लिए क्या खुशी महसूस हो रहा है आपको? हर तकलीफियाँ मतलब दूर हो जाएंगी इस मंडी में आने से। हमें बहुत हर चीज़ की सुविधा मिलेगी, जो रोड पर मतलब दिक्कतें पैदा होती थी अब वो नहीं होगी।